बारिश से बुरा हाल हो चुका है और अभी आधी सफर जो है पूरा हुआ है। बैक टू द ब्लॉग गाइस, दिस इज शुभम बाजपेयी और आज हम जा रहे हैं मूवी देखने मिशन इम्पॉसिबल 2 टॉम क्रूज की, जो कि हमारा थिएटर यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर है और बाहर जो है बारिश का मौसम है, लेकिन थोड़ा कुछ आज एडवेंचरस करने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत दिन से जो है मूवी देखने नहीं गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी वाइफ का एग्ज़ाम होना वाला था तो वो एग्ज़ाम हो गया है अब, तो हम जो है फाइनली थोड़ा सा जो है आज नाइट आउट कह सकते हैं या इवनिंग आउट जो है जो भी कह सकते हैं वो करने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा इस ब्लॉग को। और मेरी वाइफ भी जो है आज हमारे साथ जा रही हैं मूवी देखने के लिए, तो वो भी दिखेगी ब्लॉग में। इतना तेज गिर रहा है बाहर की जो मूवी का प्लान है वो स्पॉइल्ड हो चुका है क्योंकि इतना गीले हो गए हैं कि जो है मूवी देखने जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि 3 घंटे अगर हम गीले होकर बैठेंगे तो जो है हालत ख़राब हो जाएगी। और ये भी गीली हो गई हैं और हम भी गीले हो गए हैं और थिएटर में वैसे भी जो है AC चलाएँगे तो जो है हालत और ख़राब हो जाएगी। तो फिलहाल हम आए हुए हैं यहाँ पर, ये पाटन जबलपुर रोड पर जो है रंगिया रेस्टोरेंट करके है, नया खुला है, काफ़ी अच्छा है। बाहर भी चेयर लगी हुई हैं लेकिन अभी बारिश इतनी हैवी हो रही है कि बाहर कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। अंदर कुछ ऐसा है, बढ़िया सा डेकोरेशन है। इस ब्लॉग में अब हम क्या है कुछ ज़्यादा और एक्सप्लोर अब कर नहीं पाएंगे क्योंकि हैवी रेनफॉल बाहर हो रहा है। जहाँ से निकले थे वहाँ बारिश बहुत स्लो थी लेकिन यहाँ आते आते इतनी तेज़ बारिश पड़ गई, कपड़े जो हैं पूरा तरीके से जो है गीले हो रखे हैं। और अब घूमने जाते हैं तो रेनकोट पहनने का तो कोई औचित्य बनता नहीं है, इसलिए हम यहीं से जो है बाकायदा बढ़िया डिनर करेंगे और डिनर करके जो है वापस पैक हो जाएंगे। जैसे मैच बाधित हो जाता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, यहाँ पे हमारा मूवी शो जो है बाधित हो गया है। फिर कभी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक जो है हम ट्राई करेंगे मूवी देखने का, अगर लगी रही तो, और नहीं लगी रहती तो उतना कोई शौक नहीं है। प्रथम प्राथमिकता हमारा जो है वो भोजन है। इस शानदार से प्रमाइसिस में जो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रंगिया जबलपुर रंगिया रेस्टोरेंट है, अच्छा दिख रहा है, मॉडर्न मतलब मॉडर्न अमेनिटीज़ के साथ। और फर्नीचर की बात करें, इंटीरियर की बात करें, अच्छा है। ऊपर डेकोरेशन भी बढ़िया किया गया है और ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करके आपको दिखाएँगे कि यहाँ क्या कुछ है। पर जो है हमारी श्रीमती जी जो है ऑर्डर कर रही हैं और पिज़्ज़ा का पहला डिमांड आया है, तो ये पिज़्ज़ा लेंगे। और ये हमारा बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट रंगिया जबलपुर, आप चाहें तो जब कभी भी पाटन साइड आते हैं, मड़ौताल से पाटन बाईपास के बीच में आपको पड़ जाएगा, पाटन जबलपुर के बिल्कुल पास ही है पाटन बाईपास के, और अभी नया ओपन हुआ है। तो हमारा पहला ऑर्डर जो है, कौन सा पिज़्ज़ा है यार, ये कॉर्न मशरूम पिज़्ज़ा जो है आ चुका है। वैसे भी कॉर्न का सीज़न चल रहा है तो हमने ऑर्डर किया है कॉर्न मशरूम पिज़्ज़ा, लेकिन कुछ चीज़ की कमी लग रही है, वो लाल चटनी थोड़ी कम दिख रही है क्या? नहीं है। बस और ऊपर मत ले जाओ, चीज़ काफ़ी है इसमें। टेस्ट करके दिखाता हूं। कैसा है इसका टेस्ट?
अच्छा है, यू शुड बी अ फूड ब्लॉगर। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, डिनर करने का सोचा था लेकिन पिज़्ज़ा खाने के बाद हालत कुछ ऐसी हो गई है कि डिनर करने का मन नहीं कर रहा है। तो जो है हमने डिनर को पैक करा लिया है, वो जाके हम जो है रूम पे खाएंगे। और फिलहाल गीले होने की वजह से जो है मूवी देखने का प्लान कैंसिल हो गया है, बट यहाँ तक आए, पिज़्ज़ा खाया, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो गया, बारिश से भी रिफ्रेशमेंट हो गया क्योंकि गीले हो गए हैं और पेट इतना ज़्यादा भर जाता है पिज़्ज़ा वगैरह खाने से कि फिर आपको जो है खाना उसके बाद खाना संभव नहीं होता है। तो देखेंगे 10-11 बजे तक अगर भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। रंगिया रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप पार्टी शादी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाजू में जो है काफ़ी सारा प्लेस पड़ा हुआ है जहाँ पर आप बर्थडे पार्टीज़, छोटी मोटी पार्टीज़ या शादी संबंधी कोई पार्टी जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेकोरेशन कमाल का है, ये पूरा जो है यहाँ पर डाइनिंग रूम है और ये रिसेप्शन है, प्यारी सी एक तितली बनी हुई है यहाँ पर। और इस तरफ बाहर साइड भी जो है मैं आपको निकल के दिखा देता हूँ, बाहर साइड जो है डाइनिंग है लेकिन आज बारिश की वजह से जो है यहाँ जो है यूज़ नहीं हुई है क्योंकि पानी देख रहा है, जबलपुर में बहुत बारिश हुई है। थोड़ा सा प्ले जोन बना हुआ है बच्चों को खेलने के लिए, लाल हवेली के गेट से, ये लाल हवेली का गेट है, उसके गेट से जो है आप अंदर आ सकते हैं। आपको ये रंगिया जबलपुर का बोर्ड लगा मिल जाएगा और इस तरफ कुछ ऐसा डेकोरेशन किया गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है डेकोरेशन। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा किड्स जोन बना हुआ है और ये कुछ ऐसा प्रमाइसिस। और यहाँ पर जो है ये फ्रंट है, फ्रंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये फ्रंट है, बड़ा प्यारा सा फ्रंट है यहाँ पर। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आना वसूल हो गया है, पिज़्ज़ा भी खा लिया, ब्लॉग भी बना लिया और थोड़ा सा जो है डेकोरेशन काफ़ी अच्छा किया गया है यहाँ पर। पाटन बाईपास के बहुत ही करीब है ये। तो ये रहा हमारा रंगिया जबलपुर प्योर वेज रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, यहाँ पर आपको मॉकटेल, सूप, इंडियन शोरबा, सैलेड, चॉइस ऑफ रायतास, चाट, सब है यार, हवेली सिजलर, इंडियन तंदूर और मेन कोर्स भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिज़्ज़ा भी है, चॉइस ऑफ दाल, नेशनल फूड ऑफ इंडिया, अलग अलग तरीके से जो है ये मेन्यू कार्ड में नाम दिए गए हैं, सब कुछ है, जितना आपको खाने को मांगता ना वो सब कुछ यहाँ पर है। और एड्रेस आपको बता देता हूँ, लाल हवेली, पाटन रोड, RTO करमेता जबलपुर, फ़ोन नंबर है 07612997020, मोबाइल नंबर है 6232921001, ठीक है, इसका इंस्टाग्राम पेज भी होगा, तो ये है, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। जैसे तो पार्सल जो है हमने रेडी करा लिया है, पार्सल को अच्छे से बांध देते हैं, रोटियों की खुशबू इससे आ रही है लेकिन इसको घर में निपटाएंगे, पेट में जगह नहीं है लेकिन जो है दिल है कि मानता नहीं। चलो ठीक है, इसको मैंने बांध दिया है। डेट क्या है आज? तो फाइनली हम इस ब्लॉग को जो है अब समाप्त कर देंगे क्योंकि मौसम वैसा है नहीं कि और ज़्यादा ब्लॉगिंग करी जाए। फिलहाल ये प्यारा सा परिसर और अब हम यहाँ से जो है विदा ले रहे हैं और फिर कभी जो है मूवी देखने जाएंगे क्योंकि आज पानी काफ़ी गिर गया है और पूरा गीला होने की वजह से जो है अब मन नहीं कर रहा है। तो हमने जो है डिनर पैक करा लिया है और चलते हैं वापस। अगर आप यहाँ आना चाहते तो आ सकते हैं, हमसे एक फीडबैक फॉर्म भी भराया गया जिसमें हमने उसको ओके कर दिया, सब कुछ अच्छा भर दिया। और ये हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पर, पानी भर गया है देख सकते हैं आप। और ये लाल हवेली का गेट है जहाँ से अंदर आप आ सकते हैं और ये पूरा प्रमाइसिस है रंगिया जबलपुर का जहाँ पर आप आके विज़िट कर सकते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसी ही जगह को जो है और एक्सप्लोर करते रहेंगे जबलपुर की। जय हिंद, जय भारत। भाई फुल्की और टिक्की लवर्स का कोई ठिकाना नहीं, उनको आप चाहे कुछ भी खिला दो ना लेकिन उनका जो प्यार है वो आखिरी प्यार अपनी चाट चटोरी फुल्की ही होती है, टिक्की ही होती है। तो यहाँ पर जो है टिक्की
खाने से ये अपने आप को नहीं रोक पाए हैं और देख सकते हैं। हाँ, आपको खाने हैं? नहीं, आप ही खाइए, हमारे पेट में जगह बची नहीं है क्योंकि पिज्जा खाने के बाद। इसके लिए तो रहती है।